Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक छत थी सर छुपाने के लिए, वो भी हाथ से निकली जा रही थी। मैं इतना परेशान था कि एक दो दफा तो खुदकुशी का इरादा किया, लेकिन मरना जिंदा रहने से ज्यादा मुश्किल है। बस एक उम्मीद थी, एक डर था, मेरे चाचा का डर, मेरे वालिद की तरह चाचा। मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे। इतना बड़ा हो गया और गधे का गधा ही रहा, अरे इतनी सी परेशानी से परेशान हो गया। चाचा, मुझसे अब जिंदगी का बोझ मजीद नहीं उठाया जा रहा। देख, खुदकुशी के बारे में सोचना भी नहीं, खुदकुशी हराम है। और वैसे भी हराम मौत मरने वाले की रूह भटकती रहती है। तो फिर चाचा, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मेहनत कर, कोशिश कर बेटा, बाकी अल्लाह पे छोड़ दे। वो बड़ा करीम है, रहीम है, रहमान है, अल्लाह सब ठीक कर देगा। कुसुम, इमरान को 50,000 रुपए दे दे। जी चाचा। बता कुसुम से कौन सी बीमारी है मुझे, फिर भी मैं जिंदा हूं और जिंदा रहना चाहता हूं। क्या हुआ चाचा को? कैंसर है इनको। जी, रिटायरमेंट के 15 लाख रुपए मिले, मैं इनको इलाज के लिए बाहर ले जाना चाहती हूँ। अरे नेकबख्त, मैं इसी मिट्टी में दफन होना चाहता हूँ। आप हर वक्त मरने मारने की बातें ना किया करें। मौत तो बरहक है, आज नहीं तो कल तो मरना है सबको। ही ले रिस्क बहाने मौत, और वैसे भी मुझे मरने का बहाना मिल गया है। जा, शाबाश, तू इसका काम करते और इसको 50,000 रुपए लाके दे दे। नहीं चाचा, नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। अरे अपनी चाची की तरह जिद ना कर, जा नेकबख्त, चाय पी, ये ले। चाचा के कैंसर का सुनकर मैं बिल्कुल परेशान हो गया और बगैर पैसे लिए वापस आ गया। उसी रात खालिद ने मुझे घर से निकाल दिया और उस रात मैं वीरान सड़कों पर इधर उधर भटकता रहा। मैं जिंदगी से तो हार गया था और दिमागी तौर पर पागल हो गया था। और फिर मुझे सुहेल मिला, मेरे बचपन का दोस्त सुहेल।
किधर मर गए हो सालो है? और कैसा चल रहा है तेरा? तू सुना आज चांद किधर से निकला है? अबे तो अब क्या दिन में भी चांद निकालेगा है? मलिक दिन में भी चांद निकाल सकता है? दिन में चांद निकलता है तो क्या तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं क्या? अबे यार गिले शिकवे तो होते ही रहेंगे। मैं ऐसे तेरे पास लेकर आया हूँ, साला खुदकुशी करने जा रहा था। अबे मुंह, बीवी की गोद से दिल भर गया तेरा या उसने किसी और को गोद ले लिया? छोटे 3 कप दूध पत्ती ले गया बेटा, बराई मार के जरा जल्दी। यार मलिक कुछ खाने पीने के लिए भी मंगवा ले यार, 3 दिन से भूख आई है। अच्छा तेरी भी नहीं मिटाई है? तो जानता है मलिक अपना यार थोड़ा सा अपसेट हुआ हुआ यार। मलिक अभी जिंदा है, सेट कर देगा साले को। चला बैठ चला। सुहेल और मलिक मेरे बचपन के दोस्त थे। मलिक तो खैर शुरू से ही 2 नंबर कामों में इन्वॉल्व था। सुहेल से बहुत अच्छे से रापता नहीं था। हाँ बस इतना पता था कि किसी जुर्म में जेल काट कर आया है। मैंने अपनी पूरी कहानी अलिफ से ये तक को सुना दी। कहानी सुनकर हंसते रहे और फिर मलिक ने मशवरा दिया। देख मुँह, तेरी जिंदगी का अलमिया है पैसा। जब तक तुझे 2-4 लाख रुपए नहीं मिलेंगे ना, तू सेट नहीं होगा। सारी कहानी सुन ली और अब पूछ रहा है लैला मरती या औरत? अबे लैला मर्द है ना औरत, वो शीमेल है। ये कभी संजीदा नहीं होगा। देख बेटे, एक डाका मारना पड़ेगा, सिर्फ एक डाका, जिसमें तेरा मेरा और इसका हम तीनों के मसले हल हो जाएंगे। तुझसे यही उम्मीद थी मलिक। अबे ओ शाणे, मेरा मुंह मत खुलवा, समझाना, सब जानता हूँ मैं तू किस केस में अंदर गया था। अबे यार तुम दोनों मेरा मसला हल कर रहे हो या उसको बढ़ा रहे हो? देख बेटे, इस वक्त इससे अच्छा हल और कोई नहीं है मेरे पास। नहीं यार। देख मलिक, डाका मारना इतना आसान काम नहीं है, जान हथेली पर रखकर जाना पड़ता है वहाँ। अबे ये तो जान पहले से हथेली में लेके घूम रहा है। लेकिन कभी कभी इंसान खाली हाथ भी लौटता है। यार मैं चलता हूँ। मुझे उस दिन सुहेल और मलिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। आखिर दोनों ने मुझे कायल कर लिया। मैं मलिक और सुहेल डाका मारने का प्लान बना रहे थे। पहला प्लान बैंक लूटने का बना, लेकिन नहीं, बैंक में सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, फंसने का डर था। खैर कुछ दिन में फिर तय ये पाया कि पहले कंफर्म करें कि किसके घर डाका मारा जाए। इम्मो एक बात बता, तेरे चाचा को रिटायरमेंट का कितना पैसा मिला है? 15 लाख बता रहे थे। वेरी गुड। याद है इम्मो, एक दिन तूने कहा था तेरा चाचा बैंक में पैसा रखने के खिलाफ है। हाँ
सबसे आसान डागा पहले तेरे चाचा के घर में डालना है। नहीं यार, वो मेरे बाप के बराबर है। देखे मो, इस काम के अंदर ना कोई रिश्तेदारी चलती है और ना ही कोई दोस्ती, समझा? अबे वैसे भी तेरा चाचा कौन सा जिंदा रहने वाला है, कैंसर का मरीज तो वो पहले सही है। तो जितना भी कर लो उसके साथ, उसका किस्सा खत्म ही होना आखिर। इस वक्त तुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तूने अपने प्रॉब्लम अपने चाचे को बताई, उन्होंने तेरी हेल्प नहीं की, उल्टा तुझे सपने दिखा दिए। और अब तू चाचा कर रहा है? ये दुनिया बड़ी जालिम है भाई, यहाँ कोई किसी का नहीं है, समझा? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, एक तो हम अपनी जान खतरे में डालने तेरे लिए, और तू यहाँ बैठकर चाचा चाचा कर रहा। देख भाई, हमारा सबसे पहला शिकार जो ना तेरा चाचा होगा। और हाँ, रकम तीनों में बराबर बराबर तकसीम होगी। उस पैसों से तू अपना मकान वापस ले लेना और मकान बेचकर अपने चाचा का इलाज करवा लेना, कैसा? हाँ बिल्कुल ठीक है यार, वो मुझे सोचने के लिए एक दिन चाहिए। अबे ये सोचने का वक्त नहीं है, जस्ट डू इट जानी। उस वक्त पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चिक देखे। हाँ कह दिया, और एक दिन हम तीनों ने मिलकर मंसूबा बनाया। दिन और वक्त तय हुआ, मैं अपने चाचा के घर डाका मारने जा रहा था। ज्यादा कमीना कोई हो सकता है? नहीं, लेकिन मैं कमीना बन चुका था। वक्त और हालात ने मुझे कमीना बना दिया था, और फिर मुकर्रर वक्त पे हम तीनों निकले। हम तीनों चाचा के फ्लैट में चढ़ने लगे। चाचा के फ्लैट की एक चाबी मेरे पास थी। मैंने चाबी से दरवाजा खोला। चाचा को जान से मार दिया। चाचा अक्सर कहते थे कि इंसान की किस्मत खराब हो तो वो ऊंट पर भी बैठा हो फिर भी कुत्ता काट जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ।
हमने एक नहीं तीन तीन इंसानों का खून किया था। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजो, जाए वारदात का अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद फिंगरप्रिंट और तस्वीर भी जरूर ले लो। सर मुझे तो ये केस डकैती प्लस मर्डर का लगता है। अफजल मैंने तुमसे कितने बार कहा है कि कब्ल अज़ वक्त अपनी राय हरगिज़ मत दिया करो। यस सर। कातिल बहुत सफाक है, एक बार मेरे हाथ लग जाए फिर मैं उसे बताऊंगा कि सफाकी क्या होती है। सर वो लड़की जिंदा है। गुड, चलो हमें फौरन उस लड़की का बयान लेना है। वो सर डॉक्टर से होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम तीनों ने तय किया कि कुछ दिनों के लिए रूपोश हो जाते हैं। मलिक और सुहेल तो फरार हो गए, मगर मैं कहाँ जाता। मैं तो इस खुशफहमी में था कि चाचा चाची और नाजिश हमेशा के लिए सो चुके हैं। मेरे तो फरिश्तों को खबर नहीं थी कि नाजिश जिंदा है। नाजिश बीबी को होश आ गया है। गुड, बयान दे सकती है? जी सर। बीबी हमें आपका बयान चाहिए, आपके बयान के बाद ही हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। हम आपकी मदद के बगैर कातिलों तक नहीं पहुंच सकते। बीबी बताइए कौन थे वो लोग? ताकू थे। हाँ। कितने लोग थे? तीन लोग थे। आप तीनों में से किसी को पहचानती हैं? हाँ। बीबी बताइए कौन थे वो लोग? भाई, इमरान भाई। और पता नहीं। अफजल मालूम करो ये इमरान कौन था? ताया का लड़का इमरान भाई। अफजल शाम तक इमरान गिरफ्तार होना चाहिए। सर कातिल तो फरार हो गए सर। मुझे शाम तक इमरान गिरफ्तार चाहिए। ओके सर। नाजी बीबी को आराम करने दो, नाजी बीबी की जान को खतरा है। दो कांस्टेबल बाहर गेट पे ड्यूटी देंगे और बीबी आप नाजिश बीबी के साथ रहेंगी। जी सर। ठीक है। नाजिश जिंदा थी और जब तक नाजिश जिंदा थी हम तीनों की जिंदगी खतरे में थी। हम जिस मकसद के लिए गए थे वो तो पूरा नहीं हुआ। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बाराने वाली बात हो गई। ये मिसाल चाचा अक्सर दिया करता था। मैंने मलिक और सुहेल को फोन मिलाने की कोशिश की। मुसीबत में साया भी साथ छोड़ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं आखिरी दफा अपने बच्चों से मिलने जा रहा था। बड़ा, बता तूने अपने चाचा को क्यों मारा? बोले, जल्दी बोलो, जल्दी बोल। बता तो, बता। जल्दी बता। पैसों के लिए। बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आई? चंद पैसों की खातिर तूने अपने चचा को मार डाला? जी सर। वो तेरे साथ दो बंदे कौन थे? बोल, बड़ा। मलिक और जल्दी बोल। सुहेल। किधर है वो? पता नहीं सर, दोनों के मोबाइल फोन भी बंद है। अफजल इसका तफसीली बयान लो। मलिक और सुहेल के बारे में मुझे तफसीली रिपोर्ट चाहिए। सर सोहेल तो डाकू है, पहले भी कई मरतबा जेल काट चुका है, मगर इस बार रहा होने के बाद उसने डाका मारना छोड़ दिया। और मलिक? मलिक स्नूकर क्लब चलाते हैं सर। मुझे दोनों सलाखों के पीछे चाहिए। यस सर। ले जाओ इसको। चलो चल। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही हुआ मेरे साथ भी।
मैंने अपने माँ बाप की तरह पालने वाले चाचा चाची को जान से मार दिया। फिर रैमी से हम सफाक कातिल थे और मुझ पे भी किसी ने रहम नहीं किया। जो भी सुनता था मेरे चाचा चाची को मारा है वो दो चार थप्पड़ मार जाता था। मलिक और सुहेल भी गिरफ्तार हो गए, कानून से कौन बच सकता है। फिर तीनों पर केस चला और मुझे फांसी की सजा हुई। मैं मरने के लिए तैयार हूं, रोज मौत का इंतजार करता हूं। मरना तो सबको है, शायद मैं इंसानों की मौत भी ना मर पाऊं।